ये संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें पांच पांच बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई। आज दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक आपने सवाल किया कि हमारे सांसद पे FIR, तो सांसद जी तो थे ही नहीं, यहां वो नहीं थे, उनके ऊपर FIR हो गई। तो FIR इसलिए हो गई है, उन पर भी हुई है, और जो विधायक का चुनाव लड़े थे उन पर भी हुई। ये हुई है कि ये लोग, ये जो नंगा नाच हुआ है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बेगुनाह लोगों के ऊपर जान ली गई है, इसकी चर्चा न कर पाए, उस चर्चा को दबाने के लिए उनके FIR किया गया है। FIR में तथ्यों के परे बात है, FIR जो दिखाया गया है उस समय तो थे ही नहीं है, झूठी बात है, झूठी बात। इससे FIR करने से जो एक जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो कैसे उसकी जबान दब पाएगी, कैसे डर पाएगा? अरे उनके बाबा जो है इतने सीनियर थे, 92 साल तक तो सांसद रहे हैं, उनका एक इतिहास है, परिवार का इतिहास है, एक ऐसे परिवार से पैदा हुए हैं वो, जिनका एक अच्छा खासा इतिहास है, जन समस्याओं के लिए संघर्ष का इतिहास है। तो उनके ऊपर जो FIR है बिल्कुल बेबुनियाद है।